आपको भी याद होगा, आपने भी कवरेज की, आज से दो दिन पहले विक्रम चौक में हमारे जम्मू के नौजवान जिनको 2018 में बॉर्डर बटालियन की अनाउंसमेंट बीजेपी सरकार ने की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और उनके फिजिकल टेस्ट भी कर लिए गए। फिजिकल टेस्ट करने के बाद उनको कहा गया कि आप रिटर्न के लिए तैयार रहें, लेकिन जब रिटर्न टेस्ट करने की वारी आई तो रिटर्न टेस्ट आज तक हो नहीं पाया। तो वो 3 साल से अपने इसके लिए थे कि हमें रिटर्न टेस्ट करके जो भी हमें से एलिजिबल होगा उसको उसमें इंट्रोड्यूस किया जाए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जब वो अपना हक मांग रहे थे तो सरकार ने उनके हक के ऊपर कोई बात नहीं की, उल्टा उन नौजवानों के ऊपर बल प्रयोग किया गया। और जिस तरीके से, जिस बर्बरता से और जिस तरीके से उन नौजवानों के साथ सरकार ने डंडों के साथ और पुलिस की सख्ती के साथ उनको अपने हक मांगने से वंचित किया गया, मैं समझता हूं कि ये जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये एक बड़ा काला दिन है कि नौजवान, एक तरफ से तो मोदी गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट में लोगों के साथ वादे करती है कि हम नौजवानों को कभी 80,000 नौकरियां दे जाने जा रहे हैं, कभी 2 लाख देते हैं, कभी 6 लाख देते हैं, तो 3 साल से ये नौजवान जो है वो सड़कों पर हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ आज के भारतीय जनता पार्टी के जम्मू के लीडरों को कि इनको शर्म नहीं आती? ये आज जम्मू के प्रति जवाबदेह हैं। एक तरफ से तो भारतीय जनता पार्टी कहती है, और हम ये कहते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, जितने आपके पास इनरोल हैं, उन सबको कंपनसेशन जो वो मिलना चाहिए। तो स्कीम बंद करने की आपको जरूरत कहाँ से पड़ गई है? आज क्या इनको परेशानी हो गई है कि आज जम्मू के हित की जो भी बात है, जो भी जम्मू के हित की बात है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी के जो जम्मू की लीडरशिप है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप आज इस मसले पर क्यों नहीं बोलते? आज आप नौजवानों के मसले पे नहीं बोलते? आज आप CISF BSF के एस्पिरेंट्स पे नहीं बोलते? आज आप क्यों नहीं बोलते जो 3 दिन पहले जो पुलिस की बर्बरता यहां हुई है, ये किसके इशारे पे हुई और किसके कहने पे हुई है? हम उन नौजवानों की बात करते हैं। और दूसरा, ये जो रिफ्यूजी पैकेज है, भारतीय जनता पार्टी ने, आपको याद होगा कि पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, हमने ये किया, हमने वो किया रिफ्यूजियों के लिए। तो आज मुझे बताइए, ये सिर्फ वोट लेने के लिए सब कुछ करते हैं, आज किसके शह पे और किसके कहने पे आज ये लोग जो हैं वो रिफ्यूजियों को उनके हक से वंचित करना चाहते हैं? सो ये भी आज हमारी डिमांड है कि इस स्कीम को बंद नहीं किया जाना चाहिए। जितने भी आपके पास इनरोल हैं, जितने भी फैमिलीज जो आई हुई हैं, उनको सबको ये मिलना चाहिए। वरना PDP जम्मू सूबे में भी हम सड़कों पर भी आएंगे, हम प्रोटेस्ट भी करेंगे, नौजवानों के साथ हैं। और बाकी तीसरी बड़ी बात, हम ये कहना चाहते हैं कि 3 दिन पहले जो कश्मीर में एक नौजवान बच्ची के साथ, हमारी बहन छोटी के साथ एक एसिड अटैक हुआ है, हम उस घटना की भी जोरदार कंडेम करते हैं, उसके भी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर में यह पहली ऐसी घटना है। जम्मू कश्मीर एक खुशहाल स्टेट है, जम्मू कश्मीर के लोग बहुत ही अमन पसंद लोग हैं, यह पहली यह घटना है जो वहां पर घटी। और हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो गिरफ्तार किए गए हैं उनके खिलाफ जल्द से जल्द कोर्ट कार्रवाई की जानी, और जल्द से जल्द उनको, समझता हूं ये बुरी तरह से फेलियर साबित हो चुके हैं, नौजवानों के साथ इंसाफ नहीं करना चाहते। और खासतौर पर मैं जम्मू के नौजवान की अगर बात करूं तो हमारा नौजवान इस वक्त डिप्रेशन में है, सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट दर रियासत जम्मू कश्मीर की बन चुकी है। आज नौजवान जो है वो डिप्रेशन में है, आज नौजवान सड़कों पर है। और एक बड़ा मुद्दा है डेली वेजर का, आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि जब हमारे पास ताकत आएगी हम डेली वेजर का मसला हल कर देंगे। तो पिछले 3 साल से ताकत तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, ये क्यों नहीं डेली वेजर का मसला हल करते? क्योंकि बहुत सारे हमारे जो नौजवान है वो सड़कों पर है। तो मैं आपके माध्यम से LG एडमिनिस्ट्रेशन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि जो आपने परसों किया नौजवानों के साथ, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को सामने आके माफी मांगनी चाहिए। और